थ्री भूल जाते हो। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर p इंटीजर है देन जब p स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो गया तो ईच प्राइम विल अकर इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ये बात समझ में आती है क्या? अगर एक p इंटीजर है आपको मालूम है ना कि हर नंबर को प्राइम फैक्टराइज किया जा सकता है। यस सर। हेलो, अरे भाई इतना इतना कम इंटरेक्शन क्यों हो रहा है आज? सबको ये मालूम है ना कि हर नंबर को कितने तरीके से प्राइम फैक्टराइज किया जा सकता है। अरे हेलो, किसी भी नेचुरल नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करने आता है ना? यस सर। यस सर। कितने तरीके से किया सकता है? एक ही तरीका होता है ना प्राइम फैक्टराइज करने का किसी को तो? यस सर। यस सर। अरे ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? एक ही तरीका होता है प्राइम फैक्टराइज करने को। ऑब्वियस ही बात है ना, मैं उसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ दिया तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो फिक्स हो गई ना उसकी इंटीजर की। तो अगर मैं पी स्क्वायर करूंगा तो हर प्राइम कितनी बार कम से कम आएगा? दो बार। दो बार। हर प्राइम कम से कम तो दो बार आएगा ना। तो अगर पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है, अगर पी स्क्वायर टू से डिविजिबल है तो क्या समझ में आता है? अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है इसका मतलब p स्क्वायर में 2 का कितना पावर होगा? इवन टाइम्स। इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो होगा p स्क्वायर। आपने क्या आपने स्टेटमेंट क्या दिया सर? 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। ओके, दैट मींस p स्क्वायर में 2 है। नाउ मैं क्या बोल रहा हूं कि p स्क्वायर में कोई भी प्राइम नंबर कितनी बार आएगा? Even number of times. Even number of times. That means p में p is itself divisible by 2. ये बात चमकती है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes sir. That means p is itself divisible by 2. ये बात चमकती है? Anyways, इसका logic क्या है यहाँ पे? Logic क्या है? आपने लिखवाया क्यों? ये क्यों मतलब क्यों किया? इसका क्या लगे? बस आपने बोला sir, इसमें हम sir true को कर देंगे कि p और q दोनों हाँ। के पास दोनों भी 2 से डिविजिबल है तो फिर इनका एक कॉमन फैक्टर है जो 2 है। हमारा अजम्पशन ही रॉन्ग था। नहीं, वापस बोलो क्या बोले तुम? अभी जैसे अभी हम प्रूफ करेंगे कि p इज डिविजिबल बाय 2, वैसे हाँ। ही हम प्रूफ कर देंगे कि q इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। हाउ उस मतलब अगर 2 से डिविजिबल है तो 2c हो गया ना, वो कोई भी इंटीजर। नहीं, हमने p के लिए आपने यहां से आपने इसको लिखा ना, आपने इधर आपने आपने जो आप जो बोल रहे हो आप यहाँ से बोलते हो ना, आप कैसे बोलते हो? आप ये लिखते हो 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, तो आप लिखे क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ से बोलते हो कि क्यू पी स्क्वायर बाई 2 जो है वो इंटीजर है। आप ये कैसे बोल रहे हो कि क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है? ये कैसे बोल रहे हो? P 2 से डिवाइड करता है तो मतलब P equal to 2C where C could be any integer। Okay। सर फिर उसको भी स्क्वायर कर देंगे तो P square equal to 4C square हो जाएगा। सर इधर P square equal to 2Q square है तो दोनों के equal कर देंगे, फिर वैसे बता देंगे कि Q square भी 2। बहुत ही निहायत ही बेकार सा प्रूफ पढ़ाया गया है बचपन से। इतना कंफ्यूजन आप लोग तो प्रूफ याद कर रखे हैं। आप लोग को आप बस यहीं से मैं जो आपको स्टेटमेंट लिखा ना यहीं से प्रूव हो गया। बताओ कैसे? यहीं से प्रूफ हो गया। बताओ कैसे? दिस इज द मोस्ट बेसिक प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। बताओ कैसे? बताओ, बोलो। पी स्क्वायर में अगर 2 है, अगर 2 है उसमें तो अगर पी स्क्वायर में अगर p स्क्वायर में 2 है कितनी बार 2 होगा? इवन नंबर ऑफ टाइम। q स्क्वायर में 2 है कितनी बार 2 होगा? इवन नंबर। लेकिन एक 2 तो मल्टीप्लाई हो गया, मतलब इस साइड में कितना 2 होगा? ऑड नंबर ऑफ 2। इस साइड नंबर ऑफ 2 कितना होगा? इवन। इवन। खत्म बात। व्हाई सो मच मेकिंग टफ? व्हाई डूइंग दिस दैट? बहुत सिंपल प्रूफ है ना सर। बट क्यू स्क्वायर में 2 इवन नंबर ऑफ टाइम्स है वो कैसे बता सकते हैं? हम बोल ही रहे हम ये मैंने क्या बोला आपको कि अगर p इंटीजर है देन इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ p स्क्वायर ईच प्राइम विल अकर इवन नंबर ऑफ टाइम्स।
मैं ये बोल रहा हूं अगर p स्क्वायर में 2 है, ध्यान देना मेरी बात को, अगर p में 2 है, अगर अगर p में 2 है तो p स्क्वायर में नंबर ऑफ 2s कितने होंगे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, कितने 2 हो सकते हैं, इवन का मतलब क्या, या तो 0 2 या तो 2 2 या तो 4 2 या तो 6 2, यस और नो? यस सर, सेम कांसेप्ट फॉर q स्क्वायर, q स्क्वायर में कितने 2 हो सकते हैं, 0 2 2 2 4 2 6 2, यस और नो? यस सर, लेकिन एक तो 2 मल्टीप्लाई हो गया, इसका मतलब 2 q स्क्वायर में कितने 2 हो सकते हैं, या तो 1 2 या तो 3 2 या तो 5 2, तो कभी भी लेफ्ट राइट बराबर नहीं होगा ना? यस सर, अंडरस्टूड सर, बहुत सिंपल प्रूफ है, इट्स एज सिंपल एज एनीथिंग, बहुत सिंपल है, मतलब इट्स लाइक बहुत ही क्लियर प्रूफ है, ये बात चमकती है, भी हो सकता है ना? मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि p स्क्वायर में इवन, इवन का मतलब तुम ये क्यों मान रहे हो कि एक ही है, इवन का मतलब तो जीरो भी होता है, अगर p में 0 2 है और q में भी 0 2 है तो भी तो तुम सोचो ना कि ये जो साइड है तुम्हारा यहाँ पर 2 हमेशा और नंबर ऑफ टाइम्स है। यस सर, यस सर, गॉट इट, थिंक लॉजिकली, डेवलप डेवलप डेवलप, क्लियर है? इतना डिटेल में क्यों पढ़ाते थे इसका प्रूफ, क्योंकि आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल ने प्रूफ दे रखा है, टीचर को दिखाना है कुछ पढ़ाने के लिए, इट्स एज सिंपल एज दैट, उनको खुद ही नहीं मालूम है कि फोर ऐसा ही दिया है एनसीईआरटी, जो तुम लोग जो बोले थे वो प्रूफ दिया हुआ एनसीईआरटी में, बोल रहे हो कि आर डी शर्मा आर डी शर्मा या मतलब प्रॉपर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक दे रहे हो, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बोल रहे हो सर, वो जो बड़ा प्रूफ बताया था ना वो एनसीईआरटी का था, तो वो एनसीईआरटी कौन सा, भगवान थोड़ा लिखते हैं लोग भाई, भगवान थोड़ा लिखता है, एनसीईआरटी में दिया तो वहां भगवान ने लिखते हैं, सिंपल चीज है, मैथ्स इतना सिंपल होना चाहिए कि भले जिस जो बंदा आर्ट्स का है उसको मैथ्स नहीं एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा, बट समझाते वक्त उसको समझ में आना चाहिए, जो मैंने प्रूफ बताया अगर आप अपनी मम्मी को ये बताओगे, उन्होंने अगर बेसिक फिफ्थ तक भी मैथ्स पढ़ी है, प्राइम फैक्टराइजेशन, उनको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ, प्रूफ कितना सिंपल होना चाहिए ना कि आपको अच्छा लगे कि हाँ कुछ पढ़ा हमने, इट शुड नॉट बी सो बड़ा कि मतलब मर जाओ करते करते, ये बात चमकती है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया है तो मतलब पता नहीं ऐसा, जनरली एनसीईआरटी की बुक अच्छी होती है, मैंने देखा है 11th 12th की बुक तो कुछ चैप्टर्स में तो अच्छी है, ये सब फालतूगिरी नहीं करते हैं वो लोग, फालतू का एनसीईआरटी की बुक में तो रूट 2 का प्लॉटिंग भी दिखाया था अच्छे से, मुझे याद आता है 7th 8th के एनसीईआरटी में, याद नहीं किस क्लास में था, हां सर पर था, नहीं नहीं 7th 8th में भी था मेरे ख्याल से, 9th में था शायद, 9th में था अंबर लाइन पे सर प्लॉटिंग, 9th, हां वो 7th में या कभी देखा है मैंने, बड़ा अच्छा था वो, ठीक है, एनीवे जी क्लियर है क्या, सिंपल प्रूफ 4 लाइन का? यस सर, लेट द लॉजिक डेवलप, ठीक है, लेट नॉट दीस थिंग्स टेक ओवर यू, की तुम लोग रटे हुए थे बिल्कुल 2 यहाँ फिर 2 सी वहाँ, अरे उसके बाद वो एंडलेस प्रोसेस है, क्योंकि हमें पूरा 3 मार्क का क्वेश्चन ही वही आता था तो जबरदस्ती रहता और पूरा रट्टा मारना पड़ता था, अरे यार चीजों को सिंपल रखो, चीजों को बिल्कुल सिंपल रखो, अच्छा रहता है, मैं ना 2 साल तुम लोग को इसी बेसिक जो है ना उसी में घूमते रह जाता हूँ मैक्सिमम टाइम, क्योंकि आप लोग वही अभी लॉ ऑफ एनालिसिस है उसी में, अभी कल एक बच्चे ने पूछा था मुझे, आज लक्षित ने किस बैच में पता नहीं मुझे, उसने फोन में पूछा था मुझसे, वो कंफ्यूज हो गया था पावर्स में, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस की दिक्कत है ना वो, तो रब करें क्या इसको? यस सर, यस सर, तो प्रूफ आपको सिंपल लगना चाहिए, ठीक है, जो इजिली रिप्रोड्यूसेबल हो, ऐसा प्रूफ करने का मतलब नहीं बनता है कि करने के बाद पता ही नहीं क्या किया है, कई बार होते थे ना 10th में ज्योमेट्री मेट्री के प्रूफ याद है, जो हम लोग कुछ 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 कर देते थे और मतलब सोचने की कभी गलती करी नहीं हमने उसमें, जैसे एक प्रूफ होता है कि एक ट्रायंगल के दोनों साइड से पैरेलल लाइन बना के फिर जो एक ट्रायंगल बनाते हैं ऐसे ऐसे, वो दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होता है, रब करे क्या इसको सर, अगर दूसरे मेथड से प्रूफ करने की कोशिश की तो टीचर बोलती है तुक्का लगा के कर रहे हो, मैथ्स तुक्का नहीं होती बेटा, अगर आप जो एक्सप्लेन कर पा रहे हो क्रिस्टल क्लियर, आप उस चीज को लिख सकते हो, नोबडी कैन कट योर मार्क्स, ठीक है सर, इनको तो स्टेप्स चाहिए सिर्फ।
ऐसा नहीं होता है, सबको स्टेप चाहिए, मुझे भी स्टेप चाहिए होता है। स्टेप्स आप लिखो ना, क्या दिक्कत है? स्टेप्स जिसको स्टेप्स लिखना आता है उसी को मैथ्स आता है, लेकिन स्टेप्स आप पर डिपेंड करता है ना। आप लिखो, मैं तो मैथ में, आप देखो ना, आपको मैं अब लगभग एक महीने से पढ़ा रहा हूँ, मैं किसी भी क्वेश्चन में कोई शॉर्टकट मारता हूँ कभी, मैं हर चीज लिखता हूँ ना। यस सर, लिखना चाहिए, लिखना चाहिए ना। मैं कभी स्टेप्स की बुराई नहीं करता, लेकिन मैं रट्टे वाले स्टेप की बुराई करता हूँ हमेशा, मैं क्यों करूँ ये चीज, इट इज वेरी क्लियर फॉर मी। तो आपको स्टेप्स लिखने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्टेप्स तरीके से लिखना चाहिए हमेशा अच्छे से, देन यू विल एंजॉय इट। सर नहीं, वो लोग सर स्टेप्स के मतलब ये स्टेप नहीं लिखा तो मार्क्स कट, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर मैं ये मैं भी सुना हूँ स्कूल्स में, मेरे दोनों 10th और 12th दोनों में मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स थे, ठीक है, और मैंने अपने हिसाब से सॉल्व किया था। हाँ, लेकिन मैं जो लिखता था उसमें हर चीज क्लियर रखता था मैं। आप लोग गलती, आप लोग के मार्क्स इसलिए कटते हो कि आप लोग आधा आधा नॉलेज दिखाते हो। आप लोग क्या करते हो, टीचर ने 10 स्टेप लिखवाया, आपने 8 स्टेप लिख दिया, भाई आपका इसका मतलब आपने कोई 2 स्टेप मिस किया, तो मिस किया उसका रीजन दो ना, क्यों मिस, कहां पे गलत क्या हो रहा है उससे, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स। एनीवेज ठीक है, मैं 2-3 को सॉल्व करता हूं, ज्यादा टाइम क्या करेंगे, लेट्स प्रूव दिस। लॉग 3 8 इज इरेशनल, बताओ। सर log 3 8 इज इरेशनल, क्या 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 नहीं होता है, इक्वल्स टू p बाय q, 3 की पावर p बाय q इज इक्वल, अरे समझ रहे हो ना क्या किया मैंने, p बाय q बिलोंग्स टू, कम ऑन गाइस, p बाय q इज इंटीजर, तो 3 की पावर 2 बाय 2 क्या हो गया, 8 हो गया। यस yes, सर, अभी लॉ ऑफ इंडाइसेस से क्या हो जाएगा, दोनों साइड 1 बाय, दोनों साइड क्या रेज करना आता है ना, तो ये नहीं आता है, 8 की पावर q क्या हो जाएगा बोलो, 3 की पावर p, दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, क्या आ गया 3 टू द पावर p इज इक्वल्स टू 8 की पावर q, बोलो क्लियर है। यस yes, सर, यस yes, सर, अभी ये क्या लिखा हुआ है, 3 की पावर p इक्वल टू 2 की पावर 3 q, बोलो क्लियर है। यस सर, यस। Now, ये साइड जो है मल्टीपल ऑफ इवन इवन है, यस सर, यस सर, हाँ बेटा, ये क्या है मल्टीपल ऑफ ऑड, ऑड है, ऑड है, इवन ऑड कभी बराबर होते हैं क्या? नो सर, इवन ऑड कभी बराबर होते हैं क्या? नहीं ना, अरे इतना क्लियर है क्या? यस सर, कॉपी करे, यस सर, कॉपी कर लिए आप लोग, नहीं किए, कर लिए, चलो हो गया। पक्का झूठ नहीं बोल रहे ना, कॉपी कर लिए ना? यस सर, यस सर, यस सर, आप लोग को ये सब सिंप्लीफाई करने, चलो मैं क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं आपको आता है कि नहीं आता है। आप लोग को ये आता है इसको सिंप्लीफाई करना? यस सर, यस सर, आता है। कैसे करते हैं? कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? रूट थ्री प्लस थ्री माइनस वन लेंगे, है ना, फिर क्या बन जाएगा ऊपर में बताओ, आई होप सबको आता है, बस ऐसे कर रहा हूं। यस सर, क्या आ गया बोलो, अरे ये क्लियर है? यस सर, सभी को शॉर्ट्स में इतना थोड़ा बहुत जो भी है ये चीज आती है नहीं आती है? यस सर, कॉपी करो, रब करें,
यस सर भाई हाँ बोलो रब करूँ नहीं करूँ ये सर हो गया बोलो भाई रब कर देना यस सर चलो ठीक है थोड़ी सी बात डायरेक्ट एलसीएम की करेंगे एलसीएम क्या होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल सो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ टू और थ्री का एलसीएम क्या होता है सिक्स इसकी फिजिकल फील है आपको सिक्स क्यों होता है फिजिकल फील है सिक्स क्यों होता है सर ऐसा नंबर जो दोनों के उसमें आए टेबल में है यही पढ़े हो हाँ सर बट हर चीज का टेबल होता नहीं है फ्रैक्शन का कैसे निकालेंगे एलसीएम इसका फील क्या है देखो फील क्या होता है फील ये होता है कि दो लेंथ का एक स्केल है ठीक है और एक स्केल जो है तीन लेंथ का है एक स्केल जो है तीन लेंथ का है ये बात समझ में आती है यस सर ये दो लेंथ का और तीन लेंथ का है तो क्वेश्चन ऐसा होता है इसमें फील ये होती है कि भाई कितने दोनों स्टार्टिंग में दोनों का स्टार्टिंग में क्या है स्टार्टिंग पोजीशन सेम है ठीक है अरे हाँ ना तो एलसीएम वो पोजीशन होता है जहां पर ये स्केल्स रखे जा रहे हैं और वापस से कभी एंड टू एंड उनकी मुलाकात हो जाए वही होता है तुम्हारा एलसीएम ये बात चमकती है क्या तो इनकी मुलाकात कब होगी सर जब दो में दो दो लेंथ का स्केल जब तीन बार हम ऐड करेंगे समझा दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलसीएम दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एलसीएम इंटीग्रल नंबर ऑफ स्केल शुड बी यूज्ड ऑब्वियसली तुम फ्रैक्शनल नंबर ऑफ स्केल थोड़ा पैदा कर सकते हो क्या नो सर इस स्केल की लंबाई तो कुछ भी रख सकते हैं हाँ अरे स्केल 9x10 सेंटीमीटर का नहीं हो सकता है ना लेकिन 9x10 स्केल थोड़ी हो सकता है समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ नहीं सर नहीं समझे अरे स्केल की लंबाई तो तुम कुछ भी बना सकते हो नहीं बना सकते हो एक हाँ, लंबा रस्सी ले लिए तोड़ तोड़ के जो मन चाहे स्केल बना लोगे ना यस सर मेजरमेंट नहीं ले सकते 9x10 लेकिन फ्रैक्शनल नंबर ऑफ स्केल बना सकते हो मैं कहूँ अच्छा एक काम कर मेरे लिए आधा स्केल ले आ ये लॉजिकल है क्या नहीं सर समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ ठीक है तो देख एलसीएम ऑफ थ्री नहीं सिक्स एंड फोर क्या होगा बताओ ट्वेल्व मिला को 24 बोलेगा ठीक है यहां तक क्लियर है यस सर नाउ देर आर फ्यू थिंग्स टू बी नोटेड ध्यान देना एलसीएम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं आप ऐसा समझो a बाई पी बी बाई क्यू सी बाई आर इसका एलसीएम कैसे निकलता है ठीक है कैसे निकलता है हाँ एलसीएम ऑफ हाँ बोलो एलसीएम ऑफ ए बी सी बाई एच सी एफ ऑफ पी क्यू आर ये फॉर्मूला होता है आपको इसको जरूरत नहीं जानने की आप कॉमन सेंस सोच सकते हो सोचो एक बार मेरे साथ मेरे स्केल वाले फंडे से 1/2 और 2/3 का एलसीएम क्या होगा बताओ स्केल वाले फंडे से बोलो दोनों का एलसीएम क्या होगा बोलो 1/3 क्या बोल रहा है कोई नहीं सोच पा रहा हाफ और 2/3 लेंथ की स्केल यूज करी सर अगली बार कम मिलेगा 2 पे मिलेगा ना अरे हेलो हाँ सर एलसीएम ऑफ 4/5 और 1/2 बताओ क्या होगा ये फॉर्मूला मत लगाना यहां से देखो सोचो कब मिलेंगे ये वापस से
फोर फोर पे कैसे कितना फोर बाई फाइव का कितना स्केल यूज होगा फाइव स्केल और आधे और हाफ का कितना स्केल यूज होगा एट एट स्केल ये बात चमकती है सर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या एक्सप्लेन करूं बताओ इसमें सर वो स्केल का फोर बाई फाइव वन बाई वन बाई टू और टू बाई थ्री कब मिलेगा बताओ रखो ना अपने पास एक स्केल रखो ना हाफ का एक स्केल लो हाफ का स्केल रखते जाओ रखते जाओ हाफ के स्केल से तुम क्या क्या लेंथ मेजर कर सकते हो बताओ हाफ मेजर कर सकते हो वापस एक और हाफ का स्केल यूज कर लिए कहाँ पहुंच गया वन पे पहुंच गए वापस से एक और हाफ का यूज कर लिए कहाँ पहुंच गए थ्री बाई टू पे पहुंच गए वापस से एक और हाफ का यूज किए कहाँ पहुंच गए टू पे एक और हाफ का तुमको दिख भी रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ यस सर हैं टू बाई थ्री का स्केल यूज करो टू बाई थ्री का स्केल पहली बार फंस रहा हूँ इसमें तो मतलब मैं बच्चे बहुत आराम से हो जाते हैं स्केल की फील नहीं क्या बता सकते टू बाई थ्री का स्केल मेजर करो कितना होगा बताओ टू बाई थ्री का कितना स्केल यूज करोगे करो यूज टू बाई थ्री का स्केल रखते जाओ ना बताओ ना कितनी लंबाई बनते जा रही है अरे टू बाई थ्री का एक स्केल रखेगा कितना लेंथ मेजर हुआ टू बाई थ्री यूनिट मेजर हुआ यस सर एक और स्केल रखा कितना यूनिट मेजर हुआ भाई तेरे को ये नहीं चमक रहा हम क्या पढ़ाएंगे तुम बताओ क्या बोल रहा है टू बाई थ्री का एक स्केल हुआ एक और टू बाई थ्री का स्केल उसके आगे रख दिया कितना लेंथ मेजर हो गया फोर बाई थ्री सर फोर बाई थ्री एक और टू बाई थ्री रखा कितना लेंथ हो गया सिक्स बाई थ्री मतलब टू एक और टू बाई थ्री रखा कितना हो गया एट बाई थ्री अब चमक भी रहा है एक जो नॉर्मल स्केल लेते हो दस सेंटीमीटर का दस सेंटीमीटर मेजर किए एक और स्केल रख दिया कितना पहुंच गए ट्वेंटी ट्वेंटी एक और दस कर दिए कहाँ पहुंच गए थर्टी थर्टी तो देखो ना वन बाई टू और टू बाई थ्री लेंथ कहाँ मिल रही है वापस से बचपन से तुम लोग स्कूल में प्रोजेक्ट ही करते आए हो डीएवी पनवेल में तो वन बाई टू और टू बाई थ्री का स्केल कब तुमको फील नहीं आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं टू पे मिल रही है दोनों यस फोर बाई फाइव और हाफ का स्केल इमेजिन करो व्हाट इज फोर बाई फाइव पॉइंट एट ना लिखो पॉइंट एट का टेबल लिखो तुम टेबल से समझो भाई पॉइंट एट तुम टेबल लिखो चलो लिखो पॉइंट एट का टेबल क्या आएगा बोलो लिखो लिखो भाई पॉइंट एट का टेबल पॉइंट एट 1.6 टेबल भी नहीं आता क्या 1.6 2.4 3.2 4.0 चलते रहो ऐसी हाफ का टेबल लिखो यस सर समझ में आया क्या हाँ सर क्या ही समझ में ठीक है ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो एलसीएम ऑफ एबीसी बाई एचसीएफ ऑफ पीक्यूआर ठीक है अरे हाँ वन टू थ्री फोर क्लियर है क्या इतना यस सर कॉपी करो इसको
सर हो गया, हमने कॉपी कर लिया। यस सर। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो लिखना जरूरी है हमें, तो उसको लिख लेते हैं अपन। मुझे बताओ रैशनल प्लस रैशनल क्या होगा? रैशनल का। यस सर। कोई शक? दूसरा रैशनल प्लस इरैशनल क्या होगा? इरैशनल। कोई दिक्कत है? इरैशनल प्लस इरैशनल क्या होगा? इरैशनल और इरैशनल कुछ भी हो सकता है ना। अगर मान लो रूट टू प्लस माइनस रूट टू लिए तो क्या आ गया? जीरो आ गया, जीरो रैशनल हो गया। फिर अगर टू माइनस रूट थ्री प्लस टू माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस फाइव ले लिए, क्या आ गया? एट आ गया। या तो टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट टू, ये चमक रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? यस सर। क्या हो सकता है वो? रैशनल को ना क्यू सेट से रिप्रेजेंट किया जाता है और इरैशनल को क्यू के ऊपर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्यू डैश से। तो क्या हो सकता है वो? क्यू भी हो सकता है और क्यू डैश भी हो सकता है। क्यू डैश भी हो सकता है, ये बात चमकती है? यस सर। फोर्थ, रैशनल इनटू रैशनल क्या होगा? रैशनल। उसका फिफ्थ, रैशनल इनटू इरैशनल क्या होगा? दोनों हो सकता है। कैसे सर? रैशनल अगर जीरो लेंगे तो रैशनल हो जाएगा, और अगर रैशनल वन बाई टू लेंगे तो सर फिर इरैशनल हो जाएगा। तो क्यू और क्यू बार, ये बात चमकती है? यस सर। सिक्स्थ, इरैशनल इनटू इरैशनल दोनों हो सकता है। कैसे सर? रूट टू इंटू रूट टू फिर रैशनल हो जाएगा, फिर रूट टू इंटू रूट थ्री इरैशनल हो जाएगा। रूट टू इंटू रूट टू टू हो गया, और रूट टू इंटू वन बाई रूट थ्री कर दो तो क्या आ गया? रूट टू बाई थ्री, तो क्या आ गया? इरैशनल भी आ गया। ये बात चमकती है? यस सर। अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। कॉपी करो।
डन सर। कॉपी कर लिए, रब करें। यस सर। कोई बोलता ही नहीं है, आप लोग सब चुप रहते हो। ठीक है, वापस से कहानी आती है एलसीएम पे, ध्यान देना। एलसीएम ऑफ रैशनल रैशनल एग्जिस्ट्स, कोई शक नहीं है, तो मालूम ही बचपन से है ना। ठीक है, मुझे बताओ इसका रीजन लॉजिकली सोच सकते हो। एलसीएम ऑफ रैशनल इरेशनल नॉट एग्जिस्ट, बताओ क्यों, बताओ क्यों। हेलो रैशनल का मल्टीपल्स और इरेशनल का मल्टीपल्स कभी मैच भी नहीं, मैच नहीं करेंगे ना सर। इरेशनल नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, इरेशनल क्या होता है? नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसका स्केल कभी बना ही नहीं पाओगे। स्केल बनेगा इसका? तुमने कहा कि इसका स्केल दो का है, इसका 1.39 का, मैं कहूंगा नहीं 1.391 का है। तुम 1.391 बना के लाओगे, मैं कहूंगा नहीं नहीं 1.3924 का है। तुम 4 बना जाओगे, मैं कहूंगा 6 जोड़ दो। ये बात समझ में आती है? मतलब एलसीएम ऑफ 2 और रूट 2 क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये बात समझ में आती है? यस सर। थर्ड, एलसीएम ऑफ इरेशनल्स नॉर्मली वोंट एग्जिस्ट अदर देन व्हेन दे आर ऑफ सेम टाइप। क्या मतलब है इसका? मतलब जैसे रूट टू और टेन रूट टू का एलसीएम हो सकता। जैसे रूट टू और टेन रूट टू का एलसीएम लिख सकते हैं ना, क्या आएगा एलसीएम? रूट टू और टेन रूट टू का एलसीएम क्या आएगा? टेन रूट टू है, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एलसीएम किसका एग्जिस्ट नहीं करेगा? डिफरेंट टाइप्स के रैशनल्स का, जैसे रूट टू कॉमा रूट थ्री, इसका एलसीएम क्या नहीं होगा? रूट सिक्स तो नहीं होगा ना, इसका एलसीएम नहीं करेगा। तो एलसीएम ऑफ इरैशनल्स नॉर्मली वोंट एग्जिस्ट अदर देन व्हेन दे आर ऑफ सेम टाइप। सेम टाइप, जब तक वो सेम टाइप के नहीं होंगे तब तक उनका एलसीएम एग्जिस्ट करने का सवाल नहीं उठता है। ये बात चमकती है क्या? अरे मेरे दोस्तों, एलसीएम ऑफ पाई कॉमा टू क्या होगा बताओ? सर नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पाई रैशनल है, पाई इरेशनल है, इरेशनल है। ये बात समझ में आती है? सब लोगों को क्लियर है क्या इतना अच्छे से? यस सर। यस सर। कॉपी करो। Thank you.
और इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। इफ x की पावर 3 इज रैशनल एंड x की पावर 7 इज रैशनल कैन यू कमेंट ऑन x if x square is rational then x is question if x is rational then x cube is question If x square, x की पावर 6 आर रैशनल देन x is, चलो बताओ सर पहले वाले का x रैशनल होगा। हाँ सर पे क्योंकि ऑड ऑड पावर्स है ना, तो अगर इवन पावर रहता और रैशनल नंबर रहता तो मल्टीप्लाई करने के बाद रैशनल आता। यस सर। ऐसे कौन करता है, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे इतना टफ क्यों, मतलब कब ऐसा इवन पावर होता ऑड पावर इस सब में जा ही क्यों रहे हो, इसमें क्या हो सकता क्या, बेसिक से को ना बेसिक से रैशनल है तो क्या मतलब हुआ, इसको यूज करो रैशनल है तो क्या मतलब है, इसको यूज करो ना, मल्टीप्लिकेशंस रैशनल होते हैं इसलिए वो भी रैशनल ही रहेगा। एक्स नहीं, रैशनल के मल्टीप्लिकेशंस रैशनल होते हैं लेकिन एक्स क्यूब रैशनल है तो एक्स ये दोनों कंडीशन को कैसे यूज करेंगे, बेसिक से को ना बेसिक से क्या होगा, एक्स क्यूब को मान लो कुछ, क्या मानोगे एक्स क्यूब को, रैशनल है ना, एक्स क्यूब को मान ले, क्या मान ले बोलो, पी बाई क्यू मान ले, अरे हेलो आवाज आ रही है, हाँ सर आवाज आ रही है, एक्स की पावर 7 को एम बाई एन मान लो, क्या होगा बताओ, तो इससे एक्स की पावर 6 कितना आ गया, P square by Q square, चमकता है? Yes, sir. तो यहाँ पर P square by Q square into X is equals to M by N आ गया? मारा yes, X sir. कितना आ गया बताओ? MQ square by? NP square. NP square. अब ये भी integer था, ये भी integer था, ये भी integer था, ये भी integer था. तो MQ square क्या आ जाएगा? Integer. और NP square क्या आ जाएगा? Integer. बताओ? Yes, sir. Yes, sir. X, तो X क्या प्रूव हो गया? Rational. 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 यहाँ बताओ? Sir, ये either rational or irrational. कुछ भी हो सकता है ना? X is? क्यों कुछ भी हो सकता है बताओ? क्योंकि sir, irrational number का square भी rational हो सकता है, अगर same होगा तो. आप एग्जांपल दे सकते हो कि सर रूट टू का स्क्वायर 2 है और 2 का स्क्वायर भी 2 है ना? यस। 2 का स्क्वायर 4 है ना? यहाँ बताओ अगर x इज रैशनल देन x स्क्वायर इज आल्सो रैशनल, कैन वी प्रूव दिस, कैन वी हैव सम सॉल्यूशन फॉर दिस, क्या लेंगे x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू P by Q. P by Q. X square, so what is X square? P square by Q square.
ऑब्वियसली अगर पी और क्यू इंटीजर है दैट मीन्स पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी इंटीजर है और क्यू स्क्वायर भी क्या है नॉन जीरो है, तो ये जो नंबर बन के आया ये क्या आ गया रैशनल आ गया ना। यस सर। यस सर। अरे ये बात समझ में आ रही है। यस सर। लास्ट चलो सर कुछ भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है कैसे। सर रूट टू वाले एग्जांपल से, रूट टू वाले एग्जांपल से कुछ भी हम देख सकते हैं ना। सर लास्ट वाले को भी फर्स्ट की तरह प्रूव कर सकते हैं। कुछ कमेंट नहीं कर पाओगे उसमें, एक्स निकल के नहीं आ रहा है ना कभी भी। उसमें कभी भी कम कुछ कमेंट नहीं कर सकते ना, बताओ। सर नहीं कर सकते। है ना, क्योंकि हम लोग इसको यूज करके क्या क्या बोल सकते हैं बताओ। एक्स स्क्वायर रैशनल है तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली बात है ना, अगर एक्स स्क्वायर रैशनल है इससे खुद ब खुद मालूम चल रहा है ना क्या रैशनल है। एक्स की पावर फोर भी रैशनल है, क्यों? रैशनल का स्क्वायर क्या होगा? रैशनल होगा। अरे हाँ है ना। yes, yes, sir. इसका अगर पावर क्यूब कर दोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर सिक्स, वो भी रैशनल होगा। लेकिन एक्स पे कुछ कमेंट ही नहीं कर सकते ना हम लोग, ये बात चमकती है। sir, और जब भी ऐसे बोलते हैं ना कोई चीज ये नहीं होगा, उसका एग्जांपल देना चाहिए। कोई एग्जांपल दे सकते हो? एग्जांपल दो बताओ। लो मैं एक तो एक्स को टू ले रहा हूँ, तो ये दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे, बोलो हाँ या ना। यस सर। Yes, और एक कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल दो ताकि रेस्ट, बोलो। एक ले लेते टू की पावर, टू की पावर वन बाई सिक्स, नहीं टू की पावर वन बाई टू, टू की पावर वन बाई टू लिए, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा? टू। टू रैशनल है। yes, अगर पावर सिक्स करो कितना आएगा? एट आएगा। ये भी रैशनल है, लेकिन क्या रैशनल है? नो सर। तो जब भी आप कोई चीज को कहते हो कि नहीं है, always it is better to give some examples for that. ये बात चमकती है क्या? Yes sir. Yes sir. अरे सभी लोग को इतना चीज समझ में आता है? नहीं आता है। बोलो क्लियर है? हाँ सर। सब लोग क्लियर है क्या यहां तक? यस सर। रब करूं इसको? यस सर। यस। हाँ भाई बोलो, तो रब कर दूंगा। रब कर दूं? यस सर। सर एक मिनट। हाँ सर हो गया।
फाइनली विल सेंटर द लास्ट नंबर्स जो बचा हुआ था कॉम्प्लेक्स नंबर्स ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना. एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस, अच्छा आपको ये मालूम है ना आयोटा क्या, बताया था पहले आयोटा क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन. रूट ऑफ माइनस वन. एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, जहां पे ए और बी बिलोंग्स, ए और बी आर रियल नंबर्स, आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये आपको डेफिनेशन समझ में आई क्या? कॉम्प्लेक्स नंबर को नॉर्मली जेड से डिनोट करते हैं. ये आपको डेफिनेशन समझ में आई क्या, बताओ? नहीं समझा ना, कोई बात नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. अभी समझ में आ रहा है? माइनस टू माइनस आयोटा ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, माइनस टू प्लस फाइव आयोटा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. अरे अभी समझ में आ रहा है क्या? यस सर. अरे क्या हो गया, आवाज चली गई क्या मेरी? आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है. थ्री प्लस आयोटा, थ्री प्लस, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एग्जांपल. समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं बताओ? ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है? बोलो कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है, कौन कौन से नहीं है? सारे के सारे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. सारे सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं. कैसे, ये कैसे है, ये कैसे है बताओ? जीरो प्लस टू आयोटा है ना, ये कैसे है कॉम्प्लेक्स नंबर? सेवन प्लस आई जीरो. ये बात चमकती है क्या? ये सारे नंबर्स जो है वो क्या है, किसके एग्जांपल है? हेलो आवाज नहीं आ रही बहुत लोग, क्या कहा गया सब लोग? बस एक ही तो बंदे की आ रही, बाकी लोग की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही मुझे. एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ द, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आयोटा बी, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स नंबर. ये चीज क्लियर है क्या? Yes. तो इससे क्या मालूम चला? ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स. बोलो बेटा, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर्स. ठीक है, पहली बात नोट करने की, कॉम्प्लेक्स नंबर इस टाइप के नंबर जो होते हैं सेवन सिक्स फाइव, इनको बोलते हैं प्योरली रियल. क्या बोलते हैं? प्योरली रियल. टू आई सेवन आई इनको क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी. ये बात चमकती है? यहां पे प्योरली रियल क्यों बोल रहे हैं सर? वो एग्जिस्ट करते हैं. नहीं नहीं, प्योरली रियल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये बी वाला पार्ट जीरो हो गया ना. और अब प्योरली इमेजिनरी क्यों बोल रहे हैं? बोलो. ए वाला पार्ट जीरो हो गया इसलिए. ये बात नहीं समझ में आ रही? हाँ सर. एक काम करो, फिलहाल तो इतना कॉपी करो, फिर मैं वापस लिखवाता हूँ. ठीक, फिलहाल आप इतना कॉपी करो.
अरे हाँ हो गया यस सर यस सर यस सर क्या हो गया डिफिकल्ट हो गया क्या ये कुछ तो है नहीं है रैप करें इसको यस सर तो वापस से आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैं क्या बोल रहा हूँ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ठीक है इसको क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं रियल पार्ट और बी को बोलते हैं क्या बोलते हैं बी को इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट तो जब ऐसे लिखा आता है ना रियल जेड तो क्या आएगा ओनली ए और जब ऐसा लिखा रहेगा इमेजिनरी जेड तो क्या आएगा बी चमकती है हेलो यस सर अरे क्या हो गया यस सर मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया अचानक से अरे जेड इज इक्वल टू ए प्लस आल्टा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ए को रियल ए का नाम रियल पार्ट है बी का नाम इमेजिनरी पार्ट है इसमें दिक्कत क्या है तुम जिस जगह पे रहते हो उसका नाम पनवेल है उसका नाम दादर है इसमें दिक्कत क्या है भाई है नाम तो है नाम कोई दिक्कत है क्या इसमें नो सर नो सर फिर काहे को इतनी कंफ्यूजन है भाई सिंपल तो है क्या प्रॉब्लम क्या है मुझसे प्रॉब्लम क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम ये चीज क्लियर है अच्छे से यस सर यस सर यस सर लग नहीं रहा मुझे तो इससे ये सब नंबर्स है 7 6 8 ये सब का क्या बोलते हैं इनको हम लोग क्या बोला जाता है प्योरली रियल क्यों क्यों इनका इमेजिनरी पार्ट जीरो जीरो है जीरो। और इन सबको क्या बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी सर तो वो जो इमेजिनरी जेड है वहां पे आई भी आएगा ना नहीं अरे भाई जब मैं लिखवा रहा हूँ तो मैं तुमको मैं इसको तुक्का थोड़ा लगा रहा हूँ जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन है इमेजिनरी जेड का इमेजिनरी पार्ट बी बोला जाता है आई बस ये डिनोट करता है कि वो इमेजिनरी पार्ट है ओके सर यहां तक क्लियर है यस सर यस सर दुनिया में सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा होगा कॉम्प्लेक्स नंबर दुनिया का सबसे बड़ा नंबर सेट क्या होगा कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हाँ सर उसके में थोड़े से पार्ट में थोड़ा सा पार्ट क्या होगा ये बताओ ये कौन सा पार्ट होगा रियल नंबर्स ये बात yes, सर रियल के अंदर क्या आएगा थोड़ा सा रैशनल नंबर तो बाहर में यहां पर क्या है Irrational. ये रियल है ये रियल है इसके अंदर रैशनल है बाहर में कौन घूम रहा Irrational. है रैशनल के अंदर क्या घूमेगा इंटीजर्स क्या घूमेगा इंटीजर्स इसके बीच में यहाँ पे कौन घूम रहा है फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस इंटीजर के अंदर क्या आएगा नेचुरल नंबर इंटीजर के अंदर क्या आएगा भाई होल नंबर के अंदर क्या आएगा अरे नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर क्या आएगा नेचुरल नंबर ठीक है और नेचुरल के अंदर क्या आएगा प्राइम नंबर ये बात चमकती है यस सर आपको समझ में आएगा अच्छे से पूरा आप थोड़ा बड़ा बना लेना मैंने छोटा बना दिया इतना समझ में आता है क्या हाँ बोलो कॉम्प्लेक्स और रियल के बीच के पार्ट में कौन सा नंबर जो रियल नहीं है कौन सा रियल नहीं है टू आयोटा कौन सा रियल नहीं है टू प्लस थ्री आयोटा ऐसे नंबर यहाँ घूमेंगे सर ओके सर रियल मतलब प्योरली रियल बोलते हैं ठीक है इतना क्लियर है क्या अच्छे से यस सर
कॉपी कर लिए सर? वेट कॉपी कर लिए? यस सर। यस सर। आपको मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं सर्ट्स के, मिले क्या? यस सर। ये आपको पहले कराया था? नहीं, आपको नहीं कराया था ना ये तो? नो सर। चलो इसको करके आ जाओ नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? और okay,